विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उस पर मैंने आपको ये बोला था कि 25 पेज से मैं टेस्ट लूंगा, 25 पेज, फिर ऐसे 25-25 पेजों पर टेस्ट होना था, ठीक है। 25 पेज एक दिन में पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25 पेज पढ़ने भी आने चाहिए, साथ में उसके फैक्ट याद भी होने चाहिए। समझ में आया? मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि कंठाग्र हो जाएगा पहली बार में, कई रीडिंग्स करनी पड़ती हैं। आप लोगों के अनुरोध पर मैं एक बार हल्का हल्का इसकी एक समरी दे देता हूँ कि हुआ क्या था। तो सबसे पहले ये तो पता ही है आपको, साम्राज्यवादी नीतियाँ चल रही थी देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों और भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध विक्षोभ होना प्रारंभ हुआ। आर्थिक शोषण हो रहा था इस देश का, इस देश को पता ही नहीं चला दरअसल कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, ये पता है भाई। पहले के जो आक्रांता आए उन्होंने कुछ तो ऐसे आए कि लूटार चले गए, क्या हुआ, महमूद गजनवी आया लूटा चला गया बहुत सारा सोना सोमनाथ को, है ना। मोहम्मद गौरी आया, उसने भी लुटेरे थे ये लोग, क्या थे। अब फिर मोहम्मद गौरी के दास थे नसरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन अलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जहां पर था वो वहां पर क्या बन गया, राजा बन गया एक तरह से। गौरी की अपनी संतानें नहीं थी, उसने कहा था किसी के 2 बेटे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मेरे तो अनेक हजार बेटे हैं, हजारों जो तुर्की दास हैं, वो वहां बन गए। तो ऐसे करते करते जितने आक्रमण हुए थे इस देश में और जिन्होंने यहाँ पर शासन भी किया, जैसे बाबर आया तो बाबर ने यहाँ पर शासन किया, यानी यहाँ के लोग देखते थे इसको, ये राजा है, बादशाह है। लेकिन ब्रिटिशर्स में ऐसे था कि जो क्राउन था वो ब्रिटेन में बैठा हुआ था, यहाँ पर उनकी जो नीतियाँ चल रही, नीतियाँ वहाँ से बन रही थी, चल यहाँ पर रही थी, शोषण यहाँ पर हो रहा था, यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जनरेशनें चेंज होती गई, दादियाँ कहानी सुनाती गई, दादा दादी कि सोने की चिड़िया था कभी, क्या था, सोने की चिड़िया। अब जैसे माना मैं भी आपको ये बोलूँ कि ये सोने की चिड़िया था तो आप लोग थोड़े यकीन कर पाओगे, ठीक है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसी सोने की चिड़िया था, यहाँ भुखमरी हो रहा कि 3 टाइम 2 टाइम का खाना मुश्किल हो रहा, अकाल पड़ रहे, कहाँ से होगी सोने की चिड़िया, पहनने के लिए कपड़े नहीं हो रहे। तो आर्थिक शोषण के विरुद्ध विक्षोभ हुआ, साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध विक्षोभ हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना जागी हल्की हल्की, स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा जागी लोगों में, लालसा की तृप्ति 15 अगस्त 1947 को पूरी हुई जब ब्रिटिश गुलामी से क्या हो गया, देश मुक्त हो गया। अब सारे आंदोलनों को हम 3 चरणों में या कुछ चरणों में विभाजित कर देते हैं, 4-5 चरण जो भी है। पहला चरण हम पढ़ते हैं 1885 से 1905। 1885 वो डेट है जब लॉर्ड डफरिन के समय में एलन ऑक्टेवन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस है, शिमला का सन्यासी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, लॉर्ड डफरिन के समय एलन ऑक्टेवन ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करता है। वैसे 1884 में हो जाती स्थापना, बट 1885 पहला अधिवेशन होता है, वहां से लेके चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ, हाँ, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, फिर दादा भाई नौरू जी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम हुआ, ठीक है। फिर 1885 से 1905 जब तक कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ तब तक पहला चरण पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चरण 1905 से 1919, बंगाल विभाजन से लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, और खाली जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हो रहा है, तब तक कानून भी आ रहे हैं वहां उसी साल, कौन से, नो अपील नो वकील नो दलील वाले, कौन से, रॉलेट एक्ट, है ना। वहीं वो एक ऐसी डेट है जहां पर गांधी जो थे बहुत बड़े क्या थे, राष्ट्रभक्त थे, और यहां पर ये डेट ऐसी है जब राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। अगर गांधी जी के प्रारंभिक जीवन को आप देखें तो वो भी कोट पैंट पहनते थे, वो भी हैट पहनते थे, वो भी क्या करते थे, ब्रिटिश नीतियों को, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या रखते थे, राजभक्ति रखते थे, राजभक्त थे कौन, तो कुछ तो राजभक्ति उनकी उस दिन समाप्त हो गई जब साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से धकेला गया कुली बैरिस्टर बोलकर कि तू वही फर्स्ट क्लास के डब्बे में कैसे बैठ गया, अंग्रेजों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। गांधी जी का दूसरा जन्म एक तो उस दिन हुआ, एक गांधी जी का जन्म यहाँ पर होता है कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसी घटनाएं होती हैं
काला कानून आता है, गलघोटू कानून जिसको बोलते हैं, कि ना आप वकील कर सकते हो ना दलील दे सकते हो, नो अपील नो वकील नो दलील। जहां गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 1918 के बीच में भारतीय वाला सार्जेंट कहला रहे हैं, रिक्रूटिंग सार्जेंट, भारतीयों को बोल रहे हैं कि भाई ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाइए, इनकी तरफ से लड़िए, तब क्या होगा, हमें स्वशासन प्राप्त होगा, आजादी नहीं, उद्देश्य क्या था, स्वशासन, यानी राज ब्रिटिश हुकूमत का रहेगा, शासन हम लोग चलाएंगे, अपना शासन कौन चलाएंगे। और इस उम्मीद में गांधी जी यहाँ के युवाओं को बोल रहे हैं कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाइए, और हुए, उत्तराखंड से भी हुए, दरबान सिंह नेगी, गवर सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस, इन्होंने वर्ल्ड वॉर में क्या किया, अपनी वीरता का परिचय दिया और विक्टोरिया क्रॉस जीता। ऐसे पता नहीं देश में तमाम कितने लड़के रहे होंगे, अब 20, 21, 22 साल के लड़के थे, 23 साल के रहेंगे ज्यादा, 20, 21, 22, 23 बस यही उम्र है इन लोगों की, 18, 19, 20, कभी देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन वो क्या हुए, शहीद हुए। अब गांधी जी जहां अब तक सहयोग कर रहे थे, अब उसके बाद उनका चलता है असहयोग, क्या चलता है, असहयोग चलता है। तो 1919 तक, मैंने कहा 1905 बंगाल विभाजन से लेके 1919 तक, अब उसके बाद आंदोलन का तृतीय चरण चलता है क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवाद बोलना गलत है, किताबों में लिखा होता है, आप आंदोलन बोलिए, क्रांतिकारी आंदोलन। लड़के कब तक बैठते भाई, अहिंसो परमो धर्मो की नीति पे कब तक चलते, उन्होंने शुरू कर दिया अपना कंसेप्ट, उनको समझ में आ गया। क्या हुआ कि चोरा चोरी जैसी घटना पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सारे जितने भी युवा गर्म खून थे वो सब क्या हो गए, छुप दो गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा भाई, अब क्या होगा, अब तो HRA बनेगा हिंदुस्तान, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं और पहले से चल रही हैं। वैसे अगर हम देख रहे हैं तो गदर आंदोलन तो 1913 का सैन फ्रांसिस्को में चल रहा है, लाला हरदयाल, सोन सिंह भाकना, भाई परमानंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर बड़ी घटना में बोलूँ उत्तर भारत की, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, है ना, काकोरी ट्रेन डकैती होती है, लड़के गुट तो बना दिया मगर हथियार नहीं है, कैसे मिलेगा, सरकारी खजाना लूटो, ट्रेन लूट ली, हालांकि बहुत पैसे नहीं थे उस जमाने में, 2,500-3,000 रुपये रहे होंगे, 1,500-2,000, और उस जमाने में बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी। काकोरी ट्रेन डकैती हो गई, सैंडर्स की हत्या हो गई, साइमन गो बैक के नारे लगाते लगाते लाला जी को लाठी चार्ज में क्या हो गई, उनकी हत्या हो गई एक तरह से, उसका बदला लेने के लिए लड़कों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। असेंबली में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने क्या कर दिया, बम फेंक दिए। उधर प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। अलग अलग घटनाएं चल रही राज्य में, है ना, बंगाल में अलग चल रहा, महाराष्ट्र में अलग चल रहा, पंजाब में अलग चल रहा, सारी जगह क्या हो रहा, गरम खून। तो आंदोलन का तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलन का चौथा चरण 1919 से लेकर 1942, 9 जनवरी 1915 को द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी भारत में आते हैं। अफवाहों का बाजार पहले से गर्म रहता है कि एक बाबा हैं जो अंग्रेजों से जो मांगते हैं अंग्रेज उनको वो दे देते हैं, उनको मतलब एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं हुई, वो पहले से ही पॉपुलर थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, सारा देश उनके तरफ देखता है, सारा देश उनके पीछे चलता है, सारा देश उनके पीछे चलता है, ठीक है, चलो जी ऐसा होता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर गांधी की भूमिका है, कब तक है, 32 तक तो है ही कम से कम, 32 के बाद फिर गायब से हो जाते हैं गांधी जी, हरिजनोद्धार में लग जाते हैं, उसके बाद फिर दिखते हैं कहाँ, अगस्त क्रांति मैदान में, बम्बई ग्वालियर टैंक में, फिर बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई का नारा देते हैं, हालांकि वो नारा बहुत लंबा है बट डू और डाई को पकड़ते हैं यहाँ के लोग, है ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लोग यहाँ के अपने आप को आज़ाद मानना स्टार्ट कर देते हैं और 1947-15 अगस्त तक हम आज़ाद भी जाते हैं, ठीक है। तो 1919 से 1942 तक आंदोलन का चतुर्थ चरण चल रहा है। उसके बाद आंदोलन का अंतिम चरण कब चल रहा है, 42 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट, नेतृत्वविहीन आंदोलन, कैसा, सारे नेता जेल में, कोई आगा खां पैलेस में, तो कोई हजारीबाग की जेल में,
क्वेश्चन बने वहां से कि हजारीबाग की जेल को फांदकर जेल का नाम पूछा, जयप्रकाश नारायण जेपी, जिन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया आगे चलकर, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी, क्या लिखी, प्रिजन डायरी लिखी, जिन्होंने वाई सोशलिज्म लिखा, उन्होंने हजारीबाग की जेल को फांदा और आंदोलन को थोड़ा बहुत जो नेतृत्व दे सकते थे वो दिए। कांग्रेस रेडियो अपना काम कर रहा था, है ना, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस रेडियो किसने शुरू किया था। इधर वो दो घटनाएं पड़ी होंगी आपने, हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन होता है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, फिर खड़े हो जाते हैं वो अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए खड़े होते हैं तो कौन, गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देना पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं कुछ दिन मौन व्रत धारण करूंगा और अपने कमरे में रहूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहीं से वो निकल लेते हैं, हाँ चोरी छुपे निकल जाते हैं। फिर अपने मित्र के पास जाते हैं, फिर जियाउद्दीन पठान के नाम से पासपोर्ट पर अफगानिस्तान पहुंचते हैं, फिर ऑर्लैंडो मोसेटो के नाम से जर्मनी पहुंचते हैं, हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से सहायता मांगते हैं। आप कह रहे थे नेताजी किसने का, हिटलर ने का। फिर उसके बाद फिर वहाँ बात नहीं बनती है, बल्कि विवाह भी करते हैं वहां पर, उनकी एक बेटी भी है, क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम और सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या है। फिर वो जापान जाते हैं, राज बिहारी बोस मिलते हैं वहां पर, राज बिहारी बोस से क्या, वहां उधर कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में एक चीज आ जाती है, ब्रिटिश ब्रिटिश हाजी हाँ आजाद हिंद फौज का विचार आता है कैप्टन मोहन सिंह के। कैप्टन मोहन सिंह कौन है, वो सिपाही हैं बंदी हो रखे हैं जिन्हें जापान ने बंदी बना रखा, जो कि ब्रिटिश की तरफ से जापानियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब जब बंदी बन जाते हैं या तो फिर बंदी जीवन काटो या फिर क्या करो, अब जापान की तरफ से लड़ो ब्रिटिशर्स। अनिता बोस बेटी का नाम है और पत्नी का नाम एमिली, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस को कमान देते हैं राज बिहारी बोस, किस चीज की, आजाद हिंद फौज की। फिर सिंगापुर, बहुत सारी घटनाएं होती हैं मतलब इस प्रकार की, और देश की आजादी में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान, समझ में आया। और देश की आजादी में तलवार नामक जहाज से जो रेटिंग्स विद्रोह हुआ उसका सबसे बड़ा योगदान बोल सकते हैं। लास्ट में नहीं होता है कि सबने अपना अपना योगदान दिया भाई, पर लेकिन लास्ट में कौन था, तो रेटिंग्स विद्रोह होता है। रेटिंग्स विद्रोह को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेटिंग्स बोलते हैं जो नौसैनिक होते हैं, है ना, रेटिंग्स विद्रोह, वो तलवार नामक जहाज से शुरू होता है, नौसैनिक विद्रोह, शाही नौसेना का विद्रोह। ब्रिटिशर्स की समझ में आ जाता अब तो नेवी में ही, जिस नेवी के दम पर उन्होंने इस उपनिवेश को खड़ा किया था उस नेवी में ही विद्रोह हो गया, खराब खाने को लेकर। और जो अपमान होता था, जो अपमानजनक शब्द बोले जाते थे भारतीय सैनिकों को, तो उसमें कुछ मुस्लिम थे सैनिक, कुछ हिंदू थे, तो सारे जहाजों में क्या, एक जहाज से दूसरे जहाज, दूसरे जहाज से तीसरे जहाज, सारे जहाजों में क्या हड़ताल, ठीक है। ब्रिटिशर्स बम्बार्डमेंट करने के लिए तैयार, नौसेना भंग करने के लिए तैयार अपनी, लेकिन तब तक फिर पटेल जाते हैं, जिन्ना जाते हैं, वो समझाते हैं कि भाई टेंशन मत लो, आत्मसमर्पण कर दो वरना तो क्या होगे, मारे जाओगे, ठीक है। तो जिन्ना की बात सुनते थे मुस्लिम लोग और हिंदू लोग सुनते थे, किनकी बात, पटेल की बात। तो तब जाके वो बच गए वो जहाज, तो फिर सरेंडर हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन ब्रिटिशर्स की समझ में आ गया कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, बैग एंड बैगेज, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना पड़ेगा यहाँ से। उधर ब्रिटेन में जब तक कंजर्वेटिव सरकार रही तो वो तो आजाद नहीं करती हमें, लेबर पार्टी आ गई सत्ता में आई तो उन्हें बोलना पड़ा, आजाद तो करना पड़ेगा भाई। दबाव था, अमेरिका का दबाव था, चाइना तो नहीं और अन्य देशों का दबाव था कि भैया उपनिवेश को क्या करो, नहीं समझ में आया। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, उसमें बताया गया था कि जो ब्रिटिश शासन है वो अक्षम है यहाँ पर शासन करने में, लेकिन जाते जाते वो ऐसा नासूर छोड़ गए कि उस नासूर का इलाज आज तक नहीं हुआ। कौन सा, विभाजन, भाषा नहीं विभाजन। बंटवारा तो कर दिया, लेकिन क्या कर दिया, इस तरह से किया कि आज तक शत्रुता चल रही है। अगर पाकिस्तान, भारत, चाइना,
म्यांमार, ये सब अगर एक साथ मिल जाएं तो एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ हैं? अरे पाकिस्तान के साथ अगर संबंध अच्छे रहते हैं हमारे, भाई बंटवारा हो गया ना, सुनो आपके मेरे बीच में बंटवारा हो गया, इसीलिए तो लड़ रहे थे तुम कि बंटवारा दो, ठीक है आपका हिस्सा दे दिया, अब संबंध तो सही करो ताकि हम एनर्जी तक पहुंच सके, कहां तक? अरब देशों तक, इराक तक, कुवैत तक। क्या करना पड़ रहा, क्या करना पड़ रहा? क्या हमारी जो परियोजनाएं हैं, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तापी परियोजना, उस पर दिक्कत है? खतरे के बादल मंडराए हुए रहते हैं, तेल लाना, क्रूड ऑयल हमें जहाजों में लाना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो हम पाइपलाइन नहीं बिछाते पूरी, पर शत्रु है, कभी भी तोड़ सकता है, बाधित कर सकता है, दिक्कत हो सकती है। तेल मंगाते, प्राकृतिक गैस मंगाते, एनर्जी पर अगर हमारा होल्ड होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, विकसित होते। आप लोग ऐसे सिलेंडरों की लाइन पे थोड़े खड़े होते, अब तो खैर होम डिलीवरी होनी स्टार्ट हो गई, सुबह 4 बजे आप अपनी गैस की बुक थोड़े लगाते। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी तक हमारी पहुंच नहीं बनने दी उन लोगों ने, है ना? और बहुत सारे नासूर छोड़ दिए उन्होंने, तो समझ, बहुत चालाक थे भाई वो लोग, जाते जाते भी क्या कर गए। अब यहां पर मेन सा क्वेश्चन बनता भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, यानी द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जैसे सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत बड़ी भूमिका है। देश में राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ, नेशनलिज्म का जन्म कैसे हुआ, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान है। उनमें भी जो नाम सुनते हैं आप, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का योगदान है, स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज हो गए राजा राम मोहन राय, आर्य समाज हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक ऐसा साधु जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि ये देश भिखारियों और सपेरों का देश नहीं है, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान है कि आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, आपकी बाइबल नहीं सोच सकती वहाँ तक, हम सुनने से शुरू करते हैं और वो वहाँ तक इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो शब्द ऐसी चीज होते हैं जो आपके अंदर क्या करते हैं, हाँ, जागृति पैदा कर सकते हैं। आप सोए हुए थे, आपने माई बाप मान लिया था अंग्रेजों को, आप उनकी ठोकरें खा रहे थे, जूते खा रहे थे, वो आपका शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ गई थी कि क्या ये श्रेष्ठ हैं और हम क्या हैं, हीन, बिल्कुल नीच हैं बिल्कुल उनके सामने। तब तक कौन बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं भारत भारतीयों के लिए, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर इंडियंस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं नेशनलिज्म के उसमें, इंडिया इज फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है भैया, उपनिवेशवादियों के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि आज हमारे देश को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिनके शरीर लोहे का बना हो, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका प्रतिरोध ही ना किया जा सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कमजोरी पाप है, कमजोरी शारीरिक कमजोरी को नहीं बोलते हैं, मानसिक कमजोरी को बोलते हैं, कमजोरी पाप है, अपराध है, है ना। हे भगवान मेरा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा, ये कहने का दम रखने वाला पहला सन्यासी कौन है, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त। एनी बेसेंट कहती है स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपको कई बार कि कंपटीशन वही निकाल सकता है जिसकी मेंटल हेल्थ सही हो, और आधे से अधिक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ सही है ही नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, हार्मोनियल डिस्टर्बेंस है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है हार्मोन्स को, समझ में आया। अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखकर बार बार जैसे ही मन भटके वैसे ही बोलना पड़ता, भैया अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, या तो फिर आपके सामने एग्जाम्पल है ना, करते रहो, क्या दिक्कत है, तैयारी करते रहो, 50 साल 60 साल पढ़ते रहो, पढ़ने की उम्र थोड़े होती है, लेकिन अगर आपको पाना है तो अभी तुरंत पाना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस होंगे, नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए अभी कर लो जो करना है। तो ये कहने से क्या होता है, क्या होता है, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आती है, भारत में राष्ट्रीयता के जन्म में सहायक होते हैं। तब तक समाचार पत्र और साहित्य का प्रभाव, दूसरी हेडिंग आपने ये याद करनी है। ऐसे समाचार पत्र थे उस जमाने में, ऐसी खबरें नहीं होती थी कि धूप सेकने आया अजगर बना कौतूहल का विषय,
ट्रॉली ट्रैक्टर में भिड़ंत, चार मरे और दो घायल। उस समय जो अखबार लिखने वाले थे वो अपनी टीआरपी नहीं बढ़ाते थे। उस समय उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार आपको दलित करते थे, क्या करने के लिए कि देश भैया ये गड़बड़ हो रहा है, आजाद करो, क्योंकि बुद्धिजीवी थे वो लोग, हिंदू पैट्रियट। अब मैंने पढ़ा रखा आपको किसका था, हरिश्चंद्र मुखर्जी का। इंडिगो रिवोल्ट का समर्थन करते हैं, बोलते हैं नील विद्रोह सही है, दिगंबर विश्वास विश्वास का, गोविंदपुर गांव, नादिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल। वो कहते हैं द इंडियन मिरर, इंडियन मिरर और ज्यादा क्या करता है, बंगाली, किसका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाई, वो आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी जिसने पूरे देश में घूम घूम कर बताया कि इन्होंने आईसीएस की आयु क्यों कम की अंग्रेजों ने, ताकि हमारे बच्चे इंडियन सिविल सर्वेंट ना बन सके। इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र के माध्यम से, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, पब्लिक ओपिनियन, ईश्वरचंद विद्यासागर का सोम प्रकाश, सुलभ समाचार जिसका मैं बता रहा हूँ, सुलभ समाचार, बंबई समाचार, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, तिलक का मराठा जो कि इंग्लिश में था, तिलक का केसरी जो कि मराठी भाषा में था। क्या कर रहे थे तिलक, लाल बाल पाल सुना हुआ आपने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और एक और थे पुदुचेरी वाले, बाद में सन्यासी हो गए थे जो, अरविंदो घोष, ये गरम दल के थे, ये पिस्तौल वाले नहीं थे, बम गोला बारूद वाले नहीं थे, ये विचारों में बहुत उग्र थे। इन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, अब अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, युयुत्सा मतलब युद्ध की इच्छा है ना, अनुनय विनय नहीं। कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस लिख रही थी, साइन करा रही थी, निवेदन कर रही थी, आवेदन कर रही थी, आवेदन निवेदन प्रतिवेदन पता नहीं क्या क्या भेज रही थी। इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, साल भर में एक बार बैठे मेंढक की तरह टट रहे दिसंबर में, और उसके बाद अपना जो मन गया सारा बता दिया। वो तो चाहते ही थे ब्रिटिशर्स की पढ़े लिखे लोग हों, एक ऐसा वर्ग हो जो जिनके दिमाग की हमें पता चलते रहे कि क्या चाह रहे ये, ताकि 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो, है ना। उसको क्या बोला जाता है, तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सॉरी लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत बोलते हैं, कि ऐसा ना हो, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट इसलिए हुआ था कि अंदर ही अंदर उबल रहा था आदमी, हर चीज से परेशान था, एक मौका मिला, सबके सब, सब नहीं कूदे, लेकिन जितने भी कूदे नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों की। उन्होंने कहा यार दोबारे ना हो ऐसे, इसलिए एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जिससे हमें उनके विचार पता चलते रहे, और वो अगर हम हमसे कुछ रियायतें मांगे तो हम उसमें से थोड़ा दें और थोड़ा ना दें, ताकि क्या हो बैलेंस बना रहे, है ना। गरम दल वाले समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बंकिम चंद चटर्जी वंदे मातरम लिखते हैं, वो आनंद मठ लिखते हैं, सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखते हैं आनंद मठ में, दुर्गेश नंदिनी लिखते हैं बंकिम चंद चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद के नाटक बड़े गजब के, उन नाटकों को पढ़ के समझ में आता है बहुत कुछ। सुब्रमण्यम भारती, माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाएं, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, इन सब की भूमिका है किसमें, नेशनलिज्म को जन्म देने में, किसमें। फिर तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पाश्चात्य विचारधारा से जब परिचित हुए हम, तब हमें पता चला कि दुनिया में क्या क्या है। ठीक है, हमारे अपने आप में बहुत समृद्ध साहित्य था, लेकिन दुनिया के बदलने के साथ साथ हमें अपनी विचारधाराओं को भी बदलना पड़ता है। अगर हम एक ही किताब के भरोसे चलते हैं तो शास्त्राणि दित्यापि भवन्ति मूर्खा, उस शास्त्र को पढ़कर मूर्ख भी हो सकता है व्यक्ति। जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, किसके हिसाब से। अब किताब में लिखा हुआ कि भाई यहाँ पर बर्फ पड़ती है इसलिए स्वेटर पहन के चलना है, क्या चलना है, स्वेटर और जैकेट पहननी है, यहाँ बर्फ पड़ती, किताब में लिखा हुआ, और आप पहुंच गए कहाँ, 0 डिग्री इक्वेटर पर, और आप कह रहे नहीं जी ये तो किताब में लिखा हुआ कि जैकेट पहननी स्वेटर पहनना, फिर भी जैकेट और स्वेटर क्या करो, क्या आपने पहन रखा तो मरोगे फिर आप, नहीं आया समझ में। तो अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, या ना किस देश में क्या क्या हो रहा है, उन चीजों से परिचित हुआ ये देश, तब जाके क्या हुआ, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। जैसे मैं बता देता हूं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा लोगों ने 1776 का, लोगों को पता चला कि यार संविधान भी होता है, 1789 में बना, उनको ये भी पता चला मूल अधिकार भी हैं, बिल ऑफ राइट्स से जोड़े अमेरिका ने, एक देश ऐसा है
जो ब्रिटिशर्स ने ही बसा रखा है। उपनिवेश, पहले उपनिवेश बना, फिर उन्होंने क्रांति कर दी, उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। ये क्या हुआ कि गन्ना हमसे उगा रहे, अपने आप सीरा ले जा रहे, सोरा सीरा, और उसके बाद शराब बना के हमें बेच रहे हो, और फिर हमसे टैक्स भी ले रहे हो, हमसे कपास उगवा रहे हो, कपड़ा वहां बना रहे हो मैनचेस्टर में, ऐसे कैसे चलेगा, हम खुद बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई, बॉस्टन टी पार्टी, ये सब चीजें पढ़ी उन लोगों ने, तो उनके फ्रांस की महान क्रांति के बारे में पढ़ा 1789 का। भाई साथ में जब किताबें पढ़ी होंगी तो मेरे ख्याल से कम्युनिज्म के बारे में भी पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स का क्या डास कैपिटल, और जो एंजेलो के साथ मिलकर, माइकल एंजेल्स के साथ मिलकर लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। तो उस समय के जो लड़के थे उनके अंदर बौद्धिकता का विकास हुआ, क्या हुआ, बौद्धिकता का विकास हुआ। इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियां पढ़ी उन्होंने, मिल्टन को पढ़ा, शेली को पढ़ा, बायरन को पढ़ा, वॉल्टियर को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, मिल को पढ़ा, मेजिनी को पढ़ा, गैरिबाल्डी को पढ़ा, इसको पढ़ा, इनके विचारों को पढ़ा कि ये क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े चलता है यार अंग्रेजों के साथ, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ था कि सूर्यास्त के बाद शंख बजेगा और क्या होगा उसके बाद, लड़ाई खत्म, अंग्रेज करते खत्म। हमारे यहां तो ये लिखा हुआ था ना कि जो रथी रथी से लड़ेगा, महारथी महारथी से लड़ेगा, सुबह सूर्य सूर्योदय के समय शंख बजेगा, लड़ाई शुरू होगी, ठीक है, पीठ पर वार नहीं किया जाएगा, स्त्री पर वार नहीं किया जाएगा, इवन जो स्त्रियोचित गुणों वाले जो पुरुष होंगे शिखंडी जैसे उन पर भी वार नहीं किया जाएगा, है ना, भीष्म पितामह नहीं करते हैं। तो यार अगर उस पैटर्न पे चलते तो हम तो नहीं जीत पाते अंग्रेजों से, हमें पैटर्न बदलने पड़ेंगे ना, देखना पड़ेगा सामने वाला आक्रांता कैसा है, अगर आक्रांता नियमों को मानता है तो नियम चलाए जा सकते हैं, बट अगर वो आधी रात को हमला करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। मिल्टन, शेली, बायरन, वॉल्टेयर, रूसो, मिल, मेजिनी, गैरिबाल्डी, इन विद्वानों के दर्शनों फिलॉसफी को पढ़ा, क्रांतिकारी कार्यों को पढ़ा, भारतीय शिक्षित वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ, उसकी समझ में आया क्या कि होना क्या चाहिए भाई। फिर और क्या हुआ, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पश्चिमी दार्शनिकों से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। क्या कर दी, जब वो सीख गए क्या कर दिया, उन्हीं मांगों को, किन मांगों को, समझ में आ गया ना यार, हम तराइन का तृतीय युद्ध लड़ रहे 1215 में, और 1215 में इंग्लैंड में अपने मूल अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा पर साइन हो रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा भारतीयों के, बाद में पढ़ा होगा ना उन्होंने, दादी से सुना होगा कि यार 1215 में क्या तराइन का तृतीय युद्ध हो रहा, इसके बीच में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, चेक करो तराइन का तृतीय युद्ध 1215, और वहां क्या मांग रहे, मूल अधिकार, समझ में आया उनके लिए मूल अधिकार भी कोई चीज होती है। हमारे यहाँ तो राजा का दैवत्व सिद्धांत चलता था ना, राजा मरता था सब बाल कटाते थे, राजा ने जो बोल दिया वही न्याय है, है ना, वो लुई वाला कि मैं ही राज्य हूं, वो यहां भी चलता था। तराइन का तृतीय युद्ध देखो, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दिज उसके बीच में हुआ था, ठीक है। प्रजातीय विभेद की नीति, ये ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, ये लोग हमें क्या मानते थे, काला मानते थे, है ना, देसी बोलते थे, नेटिव, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए थे, रेल की प्रथम श्रेणी में हम नहीं बैठ सकते थे, मसूरी की मॉल रोड में नहीं घूम सकते थे आप, मसूरी की मॉल रोड में भारतीयों, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा होता था, कुत्ते और इंडियंस अलाउड नहीं थे, रेल के डब्बे में प्रथम श्रेणी में नहीं बैठ सकते थे, सफर नहीं कर सकते थे, यूरोपियन क्लबों में नहीं जा सकते थे, अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। रिपन के समय पढ़ा आपने हिल्बर्ट बिल विवाद, क्या हुआ, क्या था वो, यही तो था कि एक यूरोपीय अपराधी बोल रहा है कि नहीं जी भारतीय न्यायाधीश नहीं करेगा मेरा न्याय, बाद में बाध्य होकर उन्हें क्या करना पड़ा, रेशियो बढ़ाना पड़ा, यूरोपीय न्यायाधीश ज्यादा रखने पड़े, भारतीय न्यायाधीशों की संख्या कम करनी पड़ी, तब न्याय कर सकते थे। आप बैरिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, समान अपराधों के लिए अंग्रेजों को कम दंड था और भारतीयों को ज्यादा था, है ना,
अंग्रेज ने कर दी चोरी तो फाइन पड़ गया, और भारतीय ने कर दी तो सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे। लॉर्ड लिटन का शासन, लिटन का शासन क्या हुआ, लिटन के शासन में लॉर्ड लिटन की अफगान नीति, दुर्भिक्ष और महामारी के बीच में दिल्ली दरबार का आयोजन, यहाँ अकाल पड़ा हुआ, लोग हड्डियां पीस के खा रहे, जब खाने के लिए है ही नहीं कुछ भी, मर गए लोग, लाखों लोग मर गए। ये लिट्टन क्या कर रहा, दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा, रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर रहा है, ठीक है, पकवान बन रहे हैं वहां, बड़े बड़ी पार्टी चल रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया लोगों के कि इनको हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया, मतलब निंदा भी नहीं कर सकती अब जो प्रेस है, यानी देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। सोम प्रकाश के लिए लाया था वो, ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए। आईसीएस की परीक्षा की आयु घटा दी उसने, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। शस्त्र कानून लेके आ गया, अजीब सा था कि यूरोपीय रख सकते हैं भारतीय नहीं रख सकते, ये क्या बात हुई, क्या हमारी आत्मरक्षा नहीं है, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं रखेंगे क्या, रखेंगे। आगे चलकर तो गांधी तक बोलते हैं इस बात को, अहिंसा के पुजारी, कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसके उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जनजीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्या दी, प्रेरणा दी, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, लैंड होल्डर सोसाइटी बन गई जमींदारों की, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बन गया, बम्बई एसोसिएशन बन गया। इन सब एसोसिएशन ने अपने, हालांकि ये अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन इनसे तरीके सीखे जनता ने कि यार अपने अधिकार कैसे मांगने हैं, क्या करने हैं, कैसे मांगने हैं, है ना। तो इन संस्थाओं ने प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट्स जो होती हैं, समाचार पत्रों द्वारा सरकार पर राजनीतिक अधिकारों और सुविधाओं के लिए दबाव डालना सीखा। इसके माध्यम से अगर आपके ऐसा किया आपने, माना आपकी कोई मांग है, आपको लगता कुछ नहीं होता, आप 10 लोग इकट्ठे हुए, आपने थाने में जाकर बोला कि भाई हम अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, हम एक पुतला जलाना चाहते हैं, थाने ने आपको परमिशन दे दी, 10 लोगों ने पुतला जलाया, एक छोटी सी खबर लगी इस पर अखबार में, तो उसका कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है आप लोगों को नहीं पता, उसकी प्रतिक्रिया होती है। शासन में बैठे हुए लोग उसको पढ़ते हैं, दबाव बनता है किस पर, शासन प्रशासन पर, तब आपकी मांगों पर विचार होता है। और लगातार अगर आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो अहिंसावादी तरीके से, है ना, विदाउट आर्म्स, ये नहीं कि हथियार लेके बैठ गए आप, क्या बिना हथियारों के अगर आप अहिंसावादी आंदोलन कर रहे हो तो ये आपका अधिकार है, क्या करना, क्या करना, विरोध करना कि जी मेरे साथ गलत हो रहा है। चार चार साल में निकल रहे हैं जी पेपर फॉर्म, चार साल बाद रिजल्ट आ रहा है, चार साल बाद बता रहे हैं आपकी फेल हो गए, ये गलत तरीका है। तरीका ये होना चाहिए कि एक साल के अंदर फाइनल रिजल्ट आना चाहिए ताकि हम अगले साल की तैयारी कर सके। अगर हम माना चार साल बाद पांच साल बाद आप बताओगे कि फेल हो गए, तो क्या उसके बाद हम हिम्मत जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि जब आपने तैयारी शुरू की तब आप 21 के थे, जब आप फेल हुए तब आप 25 के हो, और आपके दिमाग में एक वो बैठ जाएगा, सेटअप हो जाएगा कि यार अब 30 में कहीं ऐसा ना हो कि फिर बोले कि फेल हो गए। एक साल की प्रक्रिया होनी चाहिए ना, कितनी, तो उसके लिए विरोध करो, क्या करो, आंदोलन करो। और आंदोलन खाली किस पे, टेलीग्राम और ट्विटर पे नहीं चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, विरोध करना पड़ता, उतरना पड़ता है नीचे, अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है। परिवहन संचार के साधनों का विकास हो गया, रेल का विकास हो गया, तार का विकास हो गया, डाक का विकास हो गया। पहले तो एक गांव की एक गली में आदमी पैदा होता था, उसी गांव में मर जाता था, उसको पता ही नहीं था, कूप मंडूक था वो, उसको पता ही नहीं था कि क्या होता है। कुछ लोग, खासकर महिलाएं, खासकर पुरुष तो एक बार के लिए हो सकता है कि रोजगार के इधर उधर जाता हो, पर एक महिला एक ही जगह में पैदा होती थी, उसका ब्याह होता था बचपन में, वो वहीं मर जाती थी, उसको कुछ पता नहीं होता दिन दुनिया का। रेल का विकास हुआ, तार का विकास हुआ, डाक का विकास हुआ, चिट्ठियां आई गई, जो भी हुआ होगा, तो उससे परिचित हुए लोग, भूगोल से, अपने देश से परिचित हुए, है ना। अगला, बिगड़ती आर्थिक स्थिति।
आर्थिक दशा बिगड़ गई थी, व्यापार समाप्त हो चुका था, है ना, हमारा जो हस्तशिल्प वो नष्ट हो चुका था, हमारा जो हम इतने अच्छे कॉटन के कपड़े बनाते थे वो खत्म कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, मशीनों में कपड़ा बन रहा था, तैयार कपड़े आ रहे थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल जा रहा था, हमारे ही पैसों से, हमारे जमीन के टैक्स से, कौड़ियों के भाव में हमारी रुई लेकर वहाँ कपड़ा बनाकर फिर हमारी जेब से क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। वो तो सुग्रत दादा भाई नौरोजी ने बता दिया, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, इंडियन इंडिया डेब्ट्स टू इंग्लैंड, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भैया हमारा सारा धन वेल्थ ड्रेन, वेल ड्रेन थ्योरी दे दी, है ना, बिगड़ती आर्थिक। इल्बर्ट बिल विवाद, रिपन के समय में बाकी सारे काम सही हुए, लिटन जो आर्म्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया उसको समाप्त किया रिपन ने, जो भी चीजें थी वो सब अच्छा किया, लेकिन एक गड़बड़ हो गया उसके समय, इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें यूरोपियन ने कहा कि भारतीय न्यायाधीश हमारा न्याय नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? भारतीयों ने यहां से सीखा कि यूरोपियन लोगों ने प्रतिवेदन दिए, रिपोर्ट तैयार की, लिखा, सिग्नेचर अभियान चले, सरकार पे दबाव बना, सरकार ने क्या कर दिया, यूरोपीय न्यायाधीशों की संख्या का रेशियो बढ़ा दिया और भारतीय न्यायाधीशों की रेशियो घटा दिया, कहा कि अब हटा तो सकते नहीं थे, पर ये बोला कि भैया इतने न्यायाधीश यूरोपीय बैठेंगे और कम बैठेंगे भारतीय, तब न्याय न्याय होगा। चलो, तो ये सारी आपने डेट्स कितने 150 शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है, अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे। फिर आप पढ़ते हैं कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन, तो कौन कौन थे, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जमींदारों का, द्वारिकानाथ टैगोर ने शुरू की थी 1838 में कलकत्ता में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था 1843 में, जॉर्ज थॉम्सन संस्थापक थे, प्यारी चंद मित्र इसके सचिव थे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में स्थापित हुआ, और राजा कांत देव इसके अध्यक्ष थे, सह संस्थापक अध्यक्ष, है ना। इंडिया लीग था 1875 कलकत्ता में सुशील कुमार घोष का, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन था कलकत्ता में 1875 आनंद मोहन बोस का, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, इंडियन नेशनल 26 जुलाई 1976 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था, संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, है ना। क्या किया इन्होंने, भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल विवाद, इसका क्या किया इन्होंने, विरोध किया, आक्रोश पैदा किया लोगों के बीच में, ठीक है। शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडिया लीग का इंडियन एसोसिएशन में एक बार विलय, एक वर्ष के बाद विलय कर दिया गया था। बाद में इस संस्था के सचिव कौन बने, आनंद मोहन बोस बनाए गए, जबकि अध्यक्ष कौन थे, मनमोहन घोष थे। बॉम्बे के राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, बम्बई एसोसिएशन था दादा भाई नौरोजी का, पूना सार्वजनिक सभा था, महादेव गोविंद रनाडे, जी वी जोशी, एस एच चिपलुणकर, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक, फिरोज शाह मेहता, बम्बई का बिना ताज का बादशाह बोलते थे किसको, फिरोज शाह मेहता को, बम्बई का बिना ताज का बादशाह। मद्रास में अलग राजनीतिक संस्थाएं चल रही थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन चल रहा था गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी का, है ना, मद्रास महाजन सभा चल रहा था सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम बी राघवाचारी का। विदेश में अलग राजनीतिक संगठन बन रहे थे, लंदन इंडिया इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार ने गठित कर दी थी 1862 में लंदन में, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू सी बनर्जी ने 24 मार्च 1865 को स्थापित कर दी थी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी 1866 एक दिसंबर लंदन में, भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना उद्देश्य था इसका, और इससे ब्रिटेन की जनता का मत प्रभावित करना था ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं उनके कष्टों से परिचित हो सकें। इस संगठन को प्रत्यक्ष रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सहयोग मिला था। 22 मई 1869 ईस्वी को बम्बई की इसकी शाखा स्थापित हुई। इसके अध्यक्ष जमशेद जी जीजी भाई और सचिव फिरोज शाह मेहता और एचवीएम वागले बने। डिटेल में जाएंगे, बहुत सारा है, ठीक है। फिर बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टोबन यूम, शिमला का सन्यासी, कौन,
शिमला का सन्यासी, पहला अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, सारे क्वेश्चन बने हुए, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी, कौन, यूसी बनर्जी, कितने लोग आए, 72 लोग आए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसाई वाचा, के टी तेलंग, एस सुब्रमण्यम, वी राघवाचारी। उद्देश्य क्या था, देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर परिपक्व संपत्ति और प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों को संग्रह करना, ठीक है, दिशा निर्देशों को जारी करना जिनके द्वारा देश के राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करें, देश में व्याप्त धर्म वंश और प्रांत संबंधी मतांतरों के संबंध में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर बनाना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण कर उसको सरकार के सम्मुख रखना, मेन चीज यही है, सरकार के सम्मुख रखना, अनुनय विनय। तो पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव रखे, शाही कमीशन, इंडियन काउंसिल को भंग करने की बात की, शाही कमीशन का प्रस्ताव रखा, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों का विस्तार करने की बात की, इंडियन सिविल सर्विस में आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की बात की, सेना का खर्च घटाने की बात की, चुंगी फिर से लगाई जाए और बढ़े हुए सेना व्यय को यथेष्ट बनाया जाए, साथ में कहा बर्मा को जिस पर अधिकार कर लेने की निंदा की गई अलग कर दिया जाए। तो 9 चीजें बोली थी इन्होंने। दूसरा अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में जॉर्ज जूले बने। तो पहला बंगाली, दूसरा पारसी, तीसरा मुसलमान, चौथा अंग्रेज, पांचवा भी लगभग अंग्रेज, विलियम वेडरबर्न, जिसने एलन ऑक्टेवन यूम की मेरे ख्याल से जीवनी लिखी, किसी ने लिखी, एओ यूम की जीवनी किसने लिखी, जीवनी भाई, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है, दूसरे के द्वारा बायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है। फिर आपने ये याद करना पूरा, कितने अधिवेशन हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, कौन 2 बार बने, कौन 3 बार बने। पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्यों नहीं थे, हाँ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक में थे वो अपनी, इसलिए वो इसमें नहीं आए, वरना वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, पहले अध्यक्ष वो बनते, तो कौन बना, व्योमेश चंद बनर्जी बना। तो क्या वो कभी नहीं बन पाए, बने, कब बने, व्योमेश चंद्र ये 1895 में बने पूना में, उसके बाद फिर बने मेरे ख्याल से, कब बने, 1902 में फिर बने सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली वाले, है ना। और कौन नहीं बन पाया, इतना बड़ा राष्ट्रवादी नेता होने के बाद भी, तिलक नहीं बन पाए कभी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहीं दिखते ही नहीं हमें, गांधी जी एक बार दिखते हैं, कहाँ, बेलगाम अधिवेशन 24 में 1924, इतने बड़े गांधी और एक बार अध्यक्ष, पर क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का पद जो था वो गांधी जी से क्या था, नीचे था, क्या था, उनका अध्यक्ष बनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना गांधी बनना इंपॉर्टेंट था। नोबेल पीस प्राइज भी गांधी से नीचे है अगर आप मेरे से पूछें तो। कुछ लोग बोलते हैं गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज कुछ है ही नहीं, गांधी अपने आप में नाम है। साउथ अफ्रीका जाओ, किसी भी देश में जाओ, महात्मा गांधी बोलो, देखो कैसे नहीं पहचानेंगे। अगर कोई पूछे टू विच कंट्री डू यू बिलोंग, क्या बोलना है आपने, हम उसी देश से हैं जहां से महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, समझ में आया। तो इसको भाई तेजी से पढ़ना सीखो, 25 पेज ऐसे नहीं पढ़ना कि एक पेज लेके बैठे हुए सुबह से शाम तक, उसको समझो, दिमाग को क्या करो, बढ़ाओ, सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो भाई, अगर शरीर ऐसे 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 हो रहा है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, है ना। सबसे पहले बैठना सीखिए, क्या सीखिए, अच्छा कुछ लोगों के शरीर स्थिर है लेकिन मन स्थिर नहीं है, और मन तो चंचल है, उसको तो कंट्रोल करना पड़ता है, कैसे होगा कंट्रोल, कैसे होगा, सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी इधर उधर की, इसने क्या कहा था मुझे और उसने क्या कहा था, कितना पैसा है और कितना नहीं है, सब छोड़ना पड़ेगा। भोजन होना चाहिए बस, क्या होना चाहिए अपने पास, अगर भोजन नहीं है तब चिंता का विषय है, अगर खाना मिल रहा है, 2 जोड़ी कपड़े हैं तो बैठ जाओ, कल को क्या बोलते हैं वो सबसे ऊंचे ब्रांड जो होते हैं वो भी पहन लोगे, लेकिन अगर नहीं करोगे अभी तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती, क्या हो सकती हैं, अभी सपोर्ट मिल रहा है घर का, आगे नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ही कीजिए।